सभी का हिंदी सदन में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया। नेक्स्ट शेयरिंग को शुरू कर लेते हैं। उर्मिला दीदी की है। उर्मिला दीदी नमस्ते। तो मैं आपका परिचय रख देती हूँ। दीदी उर्मिला अगल शेट्टी दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पुणे में। दीदी ने पहला वर्कशॉप जुलाई 21 में किया और दीदी ने लोकल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रोल पर भूमिका निभाई जब उनके कॉलेज में UHV1 हुआ। तो अभी मैं उर्मिला दीदी से ही निवेदन करूंगी कि दीदी अपनी बात को रखें। जी ओवर टू दीदी। जी नमस्ते कुमार भैया, शर्मिला दीदी, नमस्ते सभी को। जैसे कि दीदी ने बताया कि मैं पीबीजी पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैंने पहला वर्कशॉप UHV1 जुलाई 21 में किया। फिर थोड़ा सा गैप हो गया और उसके बाद मैंने सिक्स बैच मॉर्निंग बैच अटेंड करना शुरू किया। श्री लेखा दीदी और महेश भैया ने मोटिवेट किया मॉर्निंग बैच अटेंड करने के लिए। सो तब से मैंने मॉर्निंग सेशंस अटेंड करना शुरू किया। और जैसे कि दीदी ने बताया, मैंने एलपीसी का रोल भी UHV1 में किया है। और अभी वेरी रिसेंटली जनवरी में मैंने UHV2 कंप्लीट किया। परिवार के बारे में बताऊं तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड और दो बच्चे हैं, बेटी है और एक बेटा है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मेरी बेटी अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है और बेटा 3rd ईयर इंजीनियरिंग में पुणे में ही अभी वो पढ़ाई कर रहा है। और मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मेरी 3 बहनें हैं और तीनों बहनें उनके अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर रहती है और जॉब करती है। तो ये मेरा परिचय रहा। अभ्यास 1 से अभी मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास 1 में सजग रहना और अपने भावों को देखना, ये मैं बहुत अच्छे तरह से कर पाती हूँ प्रतिक्रिया ना देते हुए। तो मुझे कभी कभी दिखता है कि समय के साथ समझ के साथ रिस्पॉन्ड करती हूँ तो कभी रिएक्ट भी करती हूँ। हर समय नहीं होता कि सजग रहना है। जब ध्यान जाता है तब भाव भी दिखते हैं। और एक जैसे कि मुझ पर कैमरा लगा है वैसे मैं अपने आप को देख रही होती हूँ, भावों को देख रही होती हूँ, मेरे रिएक्शंस को भी देख रही होती हूँ। ज्यादातर जब मैं भावों को देखती हूँ तो मुझे ये दिखता है कि जो मेरे भाव है उसके पीछे मेरी इच्छा क्या है, तो मेरे मेरे विचार क्या है, इसको भी देखना भी मुझे हो रहा है। ज्यादातर जब ध्यान भाव बिगड़ जाते हैं तभी ध्यान जाता है। यह दिख रहा है कि ये बिगड़े हुए भाव सहज स्वीकार नहीं है और इसलिए ध्यान जा रहा है। भाव अच्छे हैं तो प्रतिक्रिया अलग होती है, भाव बिगड़े हुए हैं तो रिएक्ट करती हूँ। ये दोनों का फर्क भी मुझे दिख रहा है। ये मैंने अपने परिवार में भी देखा है और मेरे साथियों के साथ जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तभी मैंने देखा है। जब मैं अपने बच्चों से अच्छे भाव के साथ शुरू करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उसके बाद मेरे भाव एकदम सहज होते हैं और ऐसा लगता है कि वो बात बच्चों तक भी जा रही है। उसके बहुत ज्यादा परिणाम तो नहीं दिखते हैं लेकिन मैं शांत हूँ, ये मुझे मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब मैं रिएक्ट करती हूँ तो पहले ये होता था 6th बैच में तो मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब मेरे भाव बिगड़ते हैं उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिख लेती हूँ कि मेरे भाव क्यों बिगड़े, तो उसके पीछे मेरी इच्छा क्या है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ फीलिंग्स, दूसरों से मिलने वाली फीलिंग्स को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या फिर अगले व्यक्ति की कुछ मान्यताएं हैं या मेरी मान्यताएं हैं। ये सब मैं जब लिखना शुरू कर देती हूँ तो अपने आप ही मेरे भाव भी ठीक होने लगते हैं। तो भाव के स्तर पर तो अभी मुझे लगता है ऐसा कि मैं उस पर काम कर पा रही हूँ। जब मैं उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जब
थोड़ा प्रयास करती हूँ। ये इसके लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़ते हैं क्योंकि ये सहज नहीं होता और उस वक्त नहीं होता, वो बाद में होता है जब मैं लिखने बैठती हूँ। तो ज्यादातर मुझे ये दिखता है कि सोल्यूशन ये निकलते हैं, जैसे कि बैठकर बात करें या अच्छे भाव से स्टार्ट करें या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जिससे बातें फिर से अच्छी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो प्रोग्राम नहीं बना पा रही हूँ। इस स्टेप 4 में इस क्षण जो भाव चल रहे हैं उसका निर्णय मैं लेती हूँ, यह मैं देख रही हूँ। कभी कभी अनवांटेड विचार भी चलते हैं तो उसको मैंने स्टार्ट किया है, यह मैं देख पा रही हूँ। जब देखती हूँ तो छूट भी जाते हैं क्योंकि उसका मूल्यांकन हो जाता है फिर, और उसके बाद वो अनवांटेड थॉट्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। 6th स्टेप में संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव सहज स्वीकार है। और यह तो अभी विचार के रूप में थॉट्स में तो यह बात पहुंच रही है, लेकिन जब 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 ध्यान जाता है, हर हर वक्त इसका ध्यान नहीं रहता है। सो जब इस पर ध्यान जाकर अपने कल्पनाशीलता को देखती हूँ तो खुद को संगीत में पाती हूँ। हाँ, लेकिन इसको संपूर्णता में नहीं समझ पा रही हूँ। दूसरों से बात करते हुए मैं पहले उनकी स्थिति को समझने की भी कोशिश करती हूँ। इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि मैं मेरे साथियों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ अपनी कैंटीन में बातें कर रहे बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो उसका स्वभाव ऐसा है कि वो खुद के बारे में, एक मेरी दोस्त है, उसकी खुद के बारे में बहुत बहुत ज्यादा बोलती रहती है, और यह उसके संस्कार है कि, और मेरे संस्कार ये है कि मैं जब उसको रीड करती थी कि, तो मेरे मन में भी यह विचार आता था कि वो खुद को बहुत अच्छा समझती, इसका मतलब सामने वालों को नीचा नीचा दिखा रही है, और थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता था और डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उसके बात करते करते ही मेरा ये ध्यान गया कि उसका वो इंटेंशन नहीं है, और उसका उसका इंटेंशन उसका अलग संस्कार है, और इसके लिए वो इसे बातें करती है। क्योंकि उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ तुझे अचानक ऐसे, क्योंकि मेरे भाव शायद उसको मेरे चेहरे पर दिख गए, और जैसे उसने ये मुझे पूछा तो मुझे दिख गया कि ये उसका इंटेंशन नहीं है, उसकी अलग अपने संस्कार है, और मैं शांत हो गई। पहले ऐसे होता था कि वो मेरे मन बात मन में रहती थी और कुछ देर उसको चलाती रहती थी, हालांकि मुझे यह दिखता है कि उसका इंटेंशन गलत नहीं है, फिर भी वो बात दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होता है। अभ्यास 2 के बारे में बताती हूँ। स्टेप 1 में मैं और शरीर की आवश्यकता अलग अलग है। जब बैच 6 में मैंने ज्वाइन किया था तो अभ्यास 2, जब मैंने सुना अभ्यास 2 को, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यह सब तो मुझे पता ही है, तो इसमें कुछ नया तो कुछ नहीं है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रही थी। और शायद जैसे कि कुमार भैया बताते कि आपको अलग से बैठना पड़ेगा, थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा, तो वो बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकाल रही हूँ, तो अभ्यास 2 भी अभी मुझे ठीक ठीक से समझ आ रहा है। मैं और शरीर की आवश्यकता अलग अलग है, यह दिखता है। शरीर भौतिक रूप में है और पूरे शरीर में फैला हुआ है, मैं पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसका कोई आकार रंग रूप नहीं है। मैं शरीर को चलाता है और इसलिए मैं की पहचान शरीर से होती है, तो यह बात समझ में आ रही है। मैं और शरीर में अंतर तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में एक थिन लाइन है, और जिससे दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो शायद इसे और मुझे थोड़ा काम इस पे और काम करना पड़ेगा, जिससे मुझे मैं और शरीर में जो दूरी बनी है वो
वो अच्छे से दिखे। स्टेप नंबर 3 में किस संवेदना को पढ़ना है और अर्थ देना है, इसका निर्णय भी मैं ही करती हूँ। किस संवेदना को महत्व देना है, इसका निर्णय मेरे अंदर चलने वाली इच्छा, विचार और आशा से निश्चित होता है, यह मैं देखती हूँ। स्टेप 4 में जब कुमार भैया ने कहा था कि कोई भी काम करते समय उसे धीरे धीरे से करे और उस पर ध्यान दे, तो इस स्टेप को मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी। गाड़ी चलाते समय मेरा ये ध्यान गया मेरी संवेदनाओं के ऊपर, तो एक साथ बहुत सारी संवेदनाएं मैं पढ़ रही होती हूँ। जैसे आगे चल रही गाड़ी, पीछे चल रही गाड़ी, साइड में जो भीड़ है, सिग्नल का बदलना, या किसी का एकदम स्पीड से गाड़ी चलाना, किसी के पहने हुए कपड़े, हॉर्न्स का बजना, तो ये सब संवेदना मैं पढ़ रही हूँ और इनको पढ़कर मैं अर्थ दे रही हूँ, ये मैंने देखा है। और अपने शरीर की स्थिति, उसके साथ अपने शरीर की स्थिति का आकलन भी करती हूँ। इस आकलन के आधार पर मैं निर्वाह करने की भी निर्वाह करती हूँ और प्रतिक्रिया भी करती हूँ। जैसे कि स्टेयरिंग घुमाने के लिए अपने हाथों को घुमाना, पैर ब्रेक पर दबाना या एक्सेलेटर पर दबाना, साइड मिरर में देखना या फ्रंट मिरर में देखना, इन सब चीजों के साथ दूसरों के व्यवहार से मिल रही संवेदना का भी आकलन हो रहा होता है। और ऐसा ही प्रयोग मैंने खाना बनाते समय भी किया है कि बहुत सारी संवेदनाओं को पढ़ रही हूँ और उसको मैं कैसे उसके प्रति मैं कैसे प्रतिक्रिया दे रही हूँ। तो और स्टेप करते समय ऐसे यह देखा मैंने कि संवेदना है और उस संवेदना को मैं पढ़ रहा है, और इसीलिए अगले स्टेप में मैंने ये देखा कि और इसकी इसी वजह से मैंने ये देखा कि मैं संवेदना से अलग हूँ और मैं संवेदना को पढ़ पा रही हूँ। जब यह देख रही हूँ तो हर क्षण में एक से ज्यादा निर्णय भी मैं ले रही हूँ और यह भी मैं देख रही हूँ। अगर हर क्षण सेल्फ में सहज भाव हो तो निर्णय सहज स्वीकृति के आधार पर ही होगा, यह मैं देख पा रही हूँ। मैंने इस चीज को UHV 2 में बहुत अच्छी तरह से समझा कि जब मैं सजग होती हूँ, तो अभी स्टेप अभ्यास अभ्यास 2 को मैं फिर से इसमें जोड़ पा रही हूँ अभ्यास 1 से, कि मैंने यह देखा कि जब मैं सजग होती हूँ तो मैं सब अच्छे भाव के साथ अपना कहना रख पाती हूँ, लेकिन जब मैं सजग नहीं होती हूँ, मेरे भाव बिगड़ते हैं, तो उन्हें पकड़ तो पाती हूँ लेकिन उस क्षण प्रतिक्रिया हो जाती है। तो बिगड़ते हुए भाव को ठीक करना और फिर उसको उस अच्छे भाव के साथ प्रतिक्रिया करना, उस पर मेरा काम चल रहा है। स्टेप 7 में, अभ्यास 2 के स्टेप 7 में, मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, यह मुझे ठीक ठीक से समझ नहीं आता है, लेकिन यह दिख रहा है कि एक एनर्जी तो है जिससे यह पूरा अस्तित्व और इकाइयां जुड़ी हुई है। इससे ज्यादा एक्सप्लोर इसमें मैं नहीं कर पाई हूँ। अगला बिंदु है सुख स्वभाव है या प्रभाव। अपनी इच्छा, विचार और आशा देखती हूँ तो मैं यह देखती हूँ कि मैं का अंतिम उद्देश्य तो सुखी होना ही है, तो इस अर्थ में सुख स्वभाव है। बाहरी संवेदना, दूसरों से चाही हुई अपेक्षाएं, मेरी संस्कार, मेरी मान्यताएं, इनकी वजह से मेरा सुखी होना फिलहाल तो मुझे प्रभाव दिख रहा है, लेकिन जब मैं संगीत में होती हूँ, हारमोनी में होती हूँ, तो मुझे वह सुख स्वभाव है, इसकी अनुभूति होती है। तो इस पर मुझे और काम करना होगा। सुख स्वभाव के रूप में निश्चित करने के लिए मुझे सेल्फ पर और काम करना होगा। अभी मैं सुबह का 1 घंटा लगा रही हूँ और इसके आगे शाम को भी 1 और घंटा निकालने का प्रयास रहेगा। इसका मैं भी अभी
शुरू करूंगी इसके लिए। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रही थी जब मिल रहा था, तो थोड़ा थोड़ा लिख पा रही थी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा टाइम उसमें देना होगा। शुरू से कुछ ऐसे संस्कार है जिससे यूएचवी से जुड़ने से पहले ही पहले भी इसमें संबंध और सुविधा में जो अगर इसको कंपेयर करें तो संबंधों को ज्यादा महत्व देना, ये तो पहले से संस्कार में था। लेकिन यूएचवी से जुड़ने के बाद मुझे यह विधिवत करने का काम लगा कि खुद को देखना, अंदर झांककर देखना, खुद के अंदर क्या चल रहा है इसको देखना, सहज स्वीकृति को जोड़कर देखना, संवेदनाओं को अर्थ देना, और उसके आधार पर जो संस्कार और मान्यता है उसको देखना। तो यह मुझे लगता है कि बहुत विधिवत करने का काम है। और जो सभी अलग अलग जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग या कुछ मार्ग जो मन शांति के लिए जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें ये बहुत विधिवत करने का मुझे एक ऐसा कंटेंट मिला है जिससे मुझे लगता है कि मेरी गति बढ़ने वाली है। भाव, इच्छा, विचार और आशा को देखते रहना जैसे अपने ऊपर कोई कैमरा लगा हो, तो यह मैं कर पा रही हूँ। हर समय तो नहीं कर पाती, लेकिन ये हो रहा है। सही समझ के आधार पर अपनी इच्छा के लिए कार्यक्रम बनाना तो अभी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मेरे में जो परिमार्जन हुआ है, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरा स्वभाव जो है तो वो ज्यादा एक्सप्रेस ना करने वाला स्वभाव है और इंट्रोवर्ट हूँ, तो शायद इसीलिए मैं शेयर अभी तक नहीं कर पाई। पहले से ही लोगों के रिएक्शंस जो थे तो ऐसे थे, मेरे बारे में ऐसे थे कि तुम बहुत शांत हो, खुश रहती हो, झगड़ती नहीं हो। तो ये बात तो मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन जब मैंने अंदर देखना शुरू किया तो जब कोई प्रतिकूल संवेदना मिलती थी तो मैं देखती थी कि बाहर से तो मैं शांत हूँ, लेकिन अंदर से मैं शांत नहीं रहती थी। इस बात तो जब मैं अभी यूएचवी से जुड़ रही हूँ तो मैं अंदर देख पाती हूँ। और शांत रहना यह कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यह मैंने अभी तक का कंक्लूजन निकाला है। बल्कि शांत शांत बल्कि इसके अलावा सही समझ के आधार पर अगर मैं अगर कुछ कार्यक्रम बना पा रही हूँ तो वही सही सॉल्यूशन है। तो यह मेरी मुझे लगता है मेरी उपलब्धि है कि मॉर्निंग सेशंस 7th 8th बैच बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं किया था, लेकिन 6th बैच किया था और 9th बैच किया था। तो इससे मुझे लगता है कि ये मेरी उपलब्धि है। कमिटमेंट के बारे में बात करूं तो पहले तो मुझे अपने लिए वक्त निकालना है और उस फिर घर और कॉलेज से शुरू करना है। मैंने अपने घर में तो शुरू किया है, जो मुझे अभी तक का कंटेंट मिला है, जितना एक्सप्लोर हुआ है, तो वो बातें मैं अपने घर वालों के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। तो यह नहीं कहूंगी कि उसमें मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है, लेकिन हाँ, मेरे कंटेंट सामने वाले तक पहुंच रहे हैं, इतना तो मैं देख रही हूँ। कॉलेज लेवल पे मुझे लगता है कि अभी तक मैंने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में कुछ सेशंस लिए हैं, लेकिन जो महेश दीदी और महेश भैया और श्रीलेखा दीदी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत मैंने सिप में अपने कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे इस पर काम करना, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों से जुड़ी हूँ, तो अभी मुझे बहुत ऐसे ये लग रहा है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए कि जिससे ये कंटेंट उन बच्चों के साथ पहुंचे, क्योंकि जस्ट उनको फर्स्ट ईयर में वो कंटेंट मिला है, लेकिन आगे जाकर उसको उसका कुछ रिवीजन नहीं होता है और उस पर बाद में चर्चा नहीं होती है। तो मैंने अपने मेंटरिंग सेशन में यह थोड़ा थोड़ा शेयर करना शुरू किया है, लेकिन नेक्स्ट सेमिस्टर से तो करने का अच्छे से एक एक सेशन
उसका टाइम टेबल बनाने का प्लान है। मुझे मेरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कुमार भैया, शर्मिला दीदी, विनय भैया, मेरे कॉलेज के सभी कलीग्स जो वैल्यू एजुकेशन से जुड़े हैं, मेरे सभी को एक्सप्लोरर जो हर रोज मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, शेयरिंग करते हैं, क्वेश्चंस रखते हैं, उन सभी की बहुत बहुत मदद मिली है। तो उनका बहुत बहुत आभार। मेरी सहयोगी श्री लेखा दीदी और महेश कोरे भैया, इन्होंने अभी हर 15 दिन में हम एक सभा रखते हैं, उसमें हम इन बातों पर चर्चा करते हैं, तो उसकी भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। और उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और एक्सप्लोर करूं। तो ये मेरा एक कमिटमेंट के बारे में था। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सभी। तो अभी कुमार भैया उनसे निवेदन है कि भैया आज की शेयरिंग के बारे में भी फीडबैक रखें। उर्मिला दीदी की शेयरिंग काफ़ी अच्छी रही, जिस सहजता से, बारीकी से, धैर्य पूर्वक और एक एक बिंदु पे उन्होंने ध्यान जैसे दिया है, उसको शेयर किया है, प्रशंसनीय है, बढ़िया है। तो अपने विद्यार्थी गृह में भी हैं, तो वहाँ पे तो कई साथी ऑलरेडी सुबह के सत्र से भी जुड़े हैं, वर्कशॉप भी जी किए हुए हैं। जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था दीदी, आप उसमें थी क्या? जिसमें हम लोग भी आए हाँ थे। जी जी वॉलंटियर थी मैं। अच्छा, ओके, नाइस, या थैंक बढ़िया, तो अच्छी शेयरिंग रही आपकी। ये देखा गया कि मतलब आपने हर एक स्टेप पे जो काम किया है, उसको आप ठीक से मूल्यांकन कर पा रही हैं कि कितना मैं देख पा रही हूँ और कितना शेष है अभी, किन बिंदुओं पे मैं गति कर पा रही हूँ, किन बिंदुओं पे गति अभी नहीं कर पा रही। और ये भी कि ऐसा जैसे अपने ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, कि स्कैनर लगा हुआ है, उसका हम उसके आधार पर अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परिवार में जैसा आपने कहा, थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, सबको समय लगता है, बट परिवार में भी थोड़ा थोड़ा बात रखना शुरू करेंगे और परिवार समूह में भी, तो वहाँ भी एक अच्छी संभावना बनेगी। तो जी बढ़िया है दीदी, मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई।